हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका SST टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 14। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमसे सबसे पहले तो नाम है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं ऐसे। ऑन विच डे डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे किस दिन मनाते हैं। जैसे मैं मनाता हूँ 14 सेप्टेम्बर को। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हो। तो मैं तो मनाता हूँ अपने दोस्तों को पार्टी देके, अपनी मम्मी से गिफ्ट लेके और अपने बाकी बड़ों से आशीर्वाद लेके और मंदिर जाके। सम डेज आर सेलिब्रेटेड इन अ स्पेशल वे, वी एन्जॉय दीज डेज विद आर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कुछ डेज ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं और सेलिब्रेट किए जाते हैं एक स्पेशल वे में। इन दिन को हम एन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। बर्थडेज एंड वेडिंग्स आर सम ऑफ देम। अब बर्थडेज और वेडिंग्स यानी आपका जो जन्मदिन है और शादी वगैरह, वो उसमें से कुछ हैं ऐसे दिन जो हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, द डेट ऑन विच वी वर बॉर्न इज आर बर्थडे। वी इन्वाइट ऑल आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू आर बर्थडे पार्टी। अब जिस दिन हम पैदा हुए थे उसे हम अपना बर्थडे बोलते हैं। हम इस दिन अपने सारे दोस्तों को और रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं अपनी बर्थडे पार्टी पे और एक पार्टी थ्रो करते हैं। शेयरिंग एंड गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ सेलिब्रेशन। शेयर करना और गिफ्ट वगैरह देना बेस्ट वे है सेलिब्रेशन करने का। वी ब्लो दी कैंडल्स एंड कट दी केक। हम सबसे पहले कैंडल्स बुझाते हैं और फिर केक कट करते हैं। एवरीवन क्लैप्स फॉर अस एंड सिंग्स दी बर्थडे सॉन्ग। सब लोग तालियां बजाते हैं और हमारे लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्टी थिंग्स टू ईट एंड गेम्स टू बी प्लेड। अब इस दिन बहुत सारी टेस्टी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर केक और लड्डू वगैरह दिख रहे हैं, और बहुत सारे गेम्स होते हैं खेलने के लिए। वेडिंग, अ वेडिंग इज अ मैरिज सेरेमनी वेयर अ मैन एंड अ वुमेन बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। अब वेडिंग एक मैरिज एनिवर्सरी होती है जिसमें एक मैन और एक वुमेन शादी करके हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। वी डेकोरेट आर हाउस विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। हम अपने हाउस को इस दिन लाइट्स और फ्लावर्स से सजाते हैं। पीपल सिंग एंड डांस, लोग नाचते गाते हैं बहुत ज़्यादा। अ वेराइटी ऑफ फूड इज सर्व्ड। इस दिन बहुत अलग अलग टाइप का या फिर बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना सर्व किया जाता है। पीपल ब्लेस द न्यूली वेड कपल। इस दिन लोग न्यूली वेड कपल यानी जो नई नई शादी हुई है कपल की, उनको थोड़ा सा ब्लेस करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे। इट इज़ द टाइम टू हैव अ ग्रैंड फीस्ट। अब ये ऐसा टाइम होता है जब एक बहुत बड़ी फीस्ट या बहुत बड़ी दावत दी जाती है। टीचर्स डे, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th सेप्टेम्बर एवरी ईयर। इट इज़ द बर्थडे ऑफ अ ग्रेट टीचर डॉक्टर एस राधाकृष्णन हु वॉज सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को 5th सेप्टेम्बर को एवरी ईयर। ये दिन बर्थडे है एक ग्रेट टीचर का जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वो सेकेंड प्रेजिडेंट थे इंडिया के आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मतलब। चिल्ड्रंस डे, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर। हम चिल्ड्रंस डे को हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही लव चिल्ड्रन वेरी मच। अब ये दिन जो है वो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी ग्लॉसरी पर। इसमें मिले हैं हमें 3 वर्ड्स। फर्स्ट है इनवाइट, टू आस्क समबडी टू कम समवेयर। इनवाइट का मतलब होता है किसी से कहना कि प्लीज आप यहाँ पे आना। सेकंड, ब्लेस, टू कन्फर हैप्पीनेस ऑन समवन। ब्लेस का मतलब होता है किसी को हैप्पीनेस का आशीर्वाद देना। थर्ड, डेकोरेट, टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव। किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना और ज़्यादा, उसे डेकोरेट बोलते हैं कि हमने इसको डेकोरेट किया। क्विक रिव्यू में, बर्थडेज एंड वेडिंग्स आर सम स्पेशल डेज वी सेलिब्रेट। बर्थडेज और वेडिंग्स ऐसे स्पेशल दिन होते हैं जो हम सेलिब्रेट खुशी से करते हैं। सेकेंड, 5th सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। 5th सेप्टेम्बर टीचर्स डे के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या टीचर्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। 2nd अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। 2nd अक्टूबर को हम गांधी जी जयंती के पर करते हैं सेलिब्रेट, मतलब जैसे गांधी जी उस दिन पैदा हुए थे तो उनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम गांधी जी को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में डाकन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन डैश। हम टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5th सेप्टेम्बर को, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड,
वी सेलिब्रेट डॉक्टर एस राधाकृष्णन्स या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्स बर्थडे ऑन डैश। तो हम किस दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक टीचर थे और उनकी ही वजह से टीचर्स डे मनाते हैं। तो टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी ब्लो डैश एंड कट दी केक ऑन आवर बर्थडे। हम क्या ब्लो करते हैं अपने बर्थडे पर? केक कट करते हैं, तो हम कैंडल्स ब्लो करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द डेट ऑन विच वी वर बॉर्न इज नोन एज आवर बर्थडे। हम जिस दिन पैदा होते हैं वो हमारा बर्थडे होता है। सेकेंड, वी सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे ऑन। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे कब मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे के दिन, जो कि है 14 नवंबर को। थर्ड, अ डैश इज अ मैरिज सेरेमनी। एक ऐसी चीज जिसको हम मैरिज सेरेमनी बोलते हैं वो है वेडिंग। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वी डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल डे विद फ्रेंड्स। हम कोई सा भी स्पेशल डे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं करते, तो ये है फॉल्स। हम बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। हम चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते ही हैं, ट्रू। थर्ड, वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। हम डेकोरेट करते हैं अपने हाउस को फ्लावर्स और लाइट्स के साथ, तो ये है ट्रू। मैच द फॉलोइंग। अब बर्थडे, बर्थडे होती है द डेट ऑन विच वी आर बॉर्न, जिस दिन हम पैदा हुए थे। सेकेंड है चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को। थर्ड, टीचर्स डे, वो 5 सितंबर को। एंड हस्बैंड एंड वाइफ जो है मैरी हो जाते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स पता लग गई होंगी, सेलिब्रेट हम क्या क्या करते हैं, किसके साथ करते हैं सेलिब्रेट उन चीज़ों को, वो अच्छे से पता लग गई होंगी। बस चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।